एक प्रेम कहानी जिसमें खून के छींटे ही छींटे हैं। प्यार का अंत ऐसा भी हो सकता है, सोचना भी मुश्किल है। जी हाँ, हम दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की बात कर रहे हैं। इस खौफनाक कहानी से आप भी वाकिफ होंगे। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए। रोज रात वो शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकता रहा। इस संगीन मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूरी बारीकी से मामले की जांच कर रही है, सबूतों को खंगाल रही है। लेकिन सवाल है कि आफ्ताब ने जिस शातिर तरीके और चालाकी से अपने जुर्म को 6 महीने तक छुपाए रखा, उसके खिलाफ पुलिस उतने सबूत जुटा पाएगी कि कानून के कटघरे में उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके? क्या पुलिस के पास इतने मजबूत सबूत हैं कि आफ्ताब को उसके संगीन गुनाह की सख्त सजा मिल पाए? पुलिस की जांच किस दिशा में जा रही है और इस मामले में अब तक किस बिना पर आफ्ताब पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, इन सब की पड़ताल करेंगे आज की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रगति द्विवेदी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आफ्ताब शुरू से ही पुलिस को गुमराह करता रहा। उसके बयान बार बार बदलते रहे। पुलिस के सामने उसने ये तो स्वीकार कर लिया कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके 35 टुकड़े कर दिए। लेकिन पुलिस को अब इस अपराध की एक एक कड़ी जोड़नी होगी ताकि सबूतों की रोशनी में पूरा मामला साफ हो जाए और आफ्ताब को उसके किए की कड़ी सजा मिले। इसमें सबसे अहम है DNA सैंपलिंग और फॉरेंसिक जांच। पुलिस ने छतरपुर के जंगलों से 13 हड्डियां बरामद की हैं। उनकी DNA जांच के लिए उन्हें लैब भेज दिया गया है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि वो हड्डियां ह्यूमन की हैं या फिर किसी जानवर की। इस मामले का सबसे बड़ा सबूत है वो इलेक्ट्रिक आरी जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए। पुलिस को अब तक वो आरी नहीं मिल पाई है। आफ्ताब ने बताया है कि उसने वो आरी किसी नाली में फेंक डाली थी। पुलिस छतरपुर इलाके की कई नालियों की खाक छान चुकी है, लेकिन अब तक वो आरी भी बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस के लिए हत्या में शामिल हथियार की बरामदगी सबसे जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा सबूत है श्रद्धा का मोबाइल फोन। पुलिस अब तक मोबाइल फोन भी बरामद नहीं कर सकी है। आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता रहा। मोबाइल फोन के जरिए वो श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट भी हैंडल करता रहा। श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा बनकर चैट भी की। आफ्ताब ने बताया कि उसने फोन मुंबई में कहीं फेंक दिया है। इस केस में मोबाइल फोन एक अहम सबूत साबित होगा जो पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा है। अब इस केस की सारी सच्चाई फॉरेंसिक जांच पर टिकी है। पुलिस ने उस फ्रिज से भी कई नमूने उठाए हैं जिसमें आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े 20 दिनों तक रखे थे। आफ्ताब ने पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए फ्रिज को कई बार केमिकल से साफ किया था, लेकिन अब भी पुलिस को लगता है कि फ्रिज की फॉरेंसिक जांच से उन्हें कुछ सबूत हासिल हो सकते हैं। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान श्रद्धा के कुछ कपड़े भी मिले, लेकिन वो सारे कपड़े धुले हुए हैं। आफ्ताब ने बताया कि कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने श्रद्धा के कपड़े उतार दिए थे, फिर उन कपड़ों को 2 दिन बाद एक पॉलिथिन में डालकर घर के करीब ही एक कूड़ेदान की गाड़ी में डाल दिया था। पुलिस की टीम उस कूड़ा गाड़ी की तलाश कर रही है। श्रद्धा के कपड़े अहम सबूत साबित होंगे। इसके अलावा पुलिस आफ्ताब के बाथरूम की भी फॉरेंसिक जांच कर रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक आफ्ताब के घर के बाथरूम की नाली, नाली का पाइप और जिस जगह से नाली बड़े नालों में मिलती है, सबकी बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आफ्ताब की पूरी चालाकी के बावजूद उन्हें यहाँ से लाश के कुछ छोटे टुकड़े मिल सकते हैं। फॉरेंसिक टीम नाली और पूरे ड्रेनेज सिस्टम को खंगाल रही है। पुलिस ने आफ्ताब के घर जाकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। घर के एक एक कोने को छान मारा। पुलिस को किचन की फर्श और दीवारों पर कुछ निशान भी मिले हैं। शक है कि ये खून के धब्बे हो सकते हैं जिसे मिटाने की आफ्ताब ने कोशिश की थी। पुलिस ने आफ्ताब के कुछ कपड़े और चादर भी जब्त किए हैं। इन्हें जांच के लिए भेजा गया है। हो सकता है कि इन पर लाश के टुकड़े करते वक्त कुछ निशान रह गए हों, इससे जांच में काफी मदद मिलेगी। अब ये पूरा केस फॉरेंसिक जांच पर टिका है। आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सबूतों की तलाश में पुलिस जंगल जंगल भटक रही है। पुलिस को आफ्ताब को कातिल साबित करने के लिए सबूत चाहिए। आफ्ताब के शातिरपने और चालाकी की वजह से पुलिस के लिए उसके खिलाफ ठोस सबूत हासिल करना आसान नहीं है। आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 डिजिटल। नमस्कार।